चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबरें। आदेश मानदेय 9000 आने पर अन्वेषकों ने किया मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त। 2000 रुपये एरियर अप्रैल का छुड़कर आएगा मई मानदेय 9000 मानदेय के साथ। अन्वेषकों ने इस सफलता का श्रेय लगातार प्रयास कर रहे स्पेशल कवरेज न्यूज़ को दिया। अन्वेषक मानदेय 17000 कोर्ट केस वापस लेने के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अन्वेषक डिप्टी सीएम से मुलाकात की है यहाँ पर अन्वेषकों ने, और ये मुलाकात कुछ ना कुछ अवश्य रंग लाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अन्वेषक न्यूज़ में। साथियों, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए समस्त अन्वेषक परिवार ने आभार व्यक्त किया है स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से। साथ ही स्पेशल कवरेज न्यूज़ के संचालक श्री शिव कुमार मिश्रा जी ने भी मुख्यमंत्री जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहा है कि उन्होंने अन्वेषकों के लिए राहत भरा आर्थिक कदम उठाया है। यहाँ पर बताना चाहेंगे, मानदेय 9000 का आदेश 7 तारीख को ही तैयार हो गया था और 8 को ये वायरल हुआ है, आप सभी तक पहुँचा है सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे, जो अप्रैल माह का 2000 रुपये मानदेय वृद्धि का आदेश है वो भी साथ ही उन्होंने इसको कर दिया है पास, और बढ़कर मिलेगा अब 11000 रुपये मानदेय। समस्त अन्वेषकों ने खुले दिल से धन्यवाद दिया है स्पेशल कवरेज न्यूज़ का। लगातार एक वर्ष से वो दिखा रहे हैं अपने चैनल पर अन्वेषकों की समस्याओं को, और समस्त मेहमानों को जो पटल पर प्रतिदिन आकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अन्वेषकों को किसी न किसी लीडर किसी न किसी अधिकारी से मिलवाने के लिए प्रयास करते हैं, उन सभी का धन्यवाद दिया है अन्वेषकों ने। साथ ही शिव कुमार मिश्रा जी ने भी कहा है मुख्यमंत्री जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने कुछ न कुछ सार्थक कदम उठाए। यहाँ पर एक और खबर है, डिप्टी सीएम से मुलाकात की है अन्वेषकों ने, और आप देख सकते हो यहाँ पर इस मुलाकात से कुछ न कुछ सार्थक कदम अवश्य उठाया जाएगा। आप देख रहे हो हिमांशु वर्मा जी अन्वेषक लीडर डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य सी जी से मुलाकात करते हुए उनको पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। चलिए अब देखते हैं स्पेशल कवरेज न्यूज की कुछ हाइलाइट्स। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। नए बेसिक शिक्षा मंत्री, पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अप्रैल का जो एरियर था आपका 2000 रुपया वो भी रिलीज कर दिया। जून में वेतन नहीं मिलता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम जून में 4000 रुपया जो आपको मिल जाएगा तो कुछ राहत महसूस हो जाएगी। हालांकि इस 4000 से कुछ नहीं होना है, न इसमें कोई तारीफ की बात है, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो उसे थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता है। हो सकता है वो थैंक यू सोच के ही कोई बड़ा निर्णय और ले ले। विक्रम सिंह जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये जो 2000 की बढ़ोतरी हुई है ये हम स्पेशल कवरेज न्यूज को समर्पित करते हैं सर, और ये स्पेशल कवरेज न्यूज की देन है, आपकी देन है, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर की देन है, आदरणीय सुनील कौशिक सर की देन है कि आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का 2000 रुपया भरा, और आपके हम और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को भी का भी आभार ज्ञापित करना चाहते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को भी आपके चैनल के माध्यम से आभार ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने 2000 रुपया की बढ़ोतरी की, क्योंकि ये सरकार सिर्फ छीनना जानती थी, ये सरकार सिर्फ लेना जानती थी, ये सरकार सिर्फ रिकवरी करना जानती थी, और यदि वो सरकार आपके प्रयास से, स्पेशल कवरेज न्यूज के प्रयास से, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर के प्रयास से, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर के प्रयास से, आदरणीय सुनील कौशिक सर के प्रयास से यदि 2000 रुपया बढ़ाती है तो इसका पूरा क्रेडिट यदि किसी को जाता है ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, इसका पूरा क्रेडिट इसी यदि किसी को जाता है तो स्पेशल कवरेज न्यूज को जाता है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को जाता है, क्योंकि सर अनुदेशकों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, कोई चिमटे से पूरे को तैयार नहीं था, लेकिन आपने जब से 25 अक्टूबर से अनुदेशकों के मुद्दे को आपने आवाज देने का काम किया तो आज हर चैनल हर मीडिया अनुदेशकों की बात करती है। इससे पहले हम अमिताभ अग्निहोत्री जी जो अनुदेशकों का नाम नहीं लेना चाहते थे, कई बार उनसे हम लोगों ने प्रयास किया कि अनुदेशकों पे डिबेट हो, लेकिन कोई डिबेट नहीं हुआ, लेकिन जब से आपने अनुदेशकों का नाम लेना शुरू किया आपकी देन है। हमारे आदरणीय है, हमारे लिए एक आइकॉन है और वो बहुत अच्छे हैं,
और हमेशा बात कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की बात उठा रहे हैं। वो एक अच्छे पत्रकार हैं। आपकी देन है सर। जी जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है, स्पेशल कवरेज न्यूज की देन है। अभी आपने देखा, एक हफ्ता उत्तर प्रदेश का विधानसभा चला, विधान परिषद चला, कोई ऐसा दिन नहीं था जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की आवाज समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के या राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा न उठाई गई। प्रत्येक दिन किसी न किसी अनुदेशकों की मुद्दा को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं कई दिन इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया। तो इससे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया हम आपको समर्पित करते हैं, आपके चैनल को समर्पित करते हैं, और हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से आवाज भी देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमें मालूम है, हमें कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है कि इस डिबेट को चलाने से आपका